हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा जो कैची होता है, ये देखिए, ये तो ये किस तरीके से हम लोग कटते हैं और सही कटिंग करने का तरीका क्या है, और इसके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। ए टू जेड में आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा, और इसके लिए एक रिक्वेस्ट आया है, तो ये रिक्वेस्ट का वीडियो है। तो चलिए मैं ए टू जेड इसमें दिखाऊंगा क्या सही है क्या नहीं सही है, और किस तरीके से कटना है और कैसे पकड़ता है कैसे कैची को। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जो सबसे पहले कैची से कटने के लिए आप लोगों को इसी तरह ड्रॉ करना है, और आप ड्रॉ ना भी करें तो भी चलेगा। ये कागज में मैं दिखा रहा हूँ पैटर्न ड्रॉ करके, और कपड़ा में भी एकदम सही तरीका है, एक ही टेक्निक लगभग यूज होता है इसमें। और ये देखिए जो कट हो रहा है, इधर भी देखिए कट हो रहा है किस तरीका से। और ये हम लोग फ्रेंड उस वक्त बना रहा है जब हमारा पैटर्न तो सेल हो रहा है, तो उसके लिए हम देखिए किस तरीके से कट कर रहा है, वो ये तरीका है। और ये देखिए किस तरीके से कट करते हैं। तो जब भी कोई कट करते हैं अपने, तो ये रनिंग देखिए, तो देखिए आपको इसका लॉजिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये कैंची को इस तरीके से पकड़ना है। ये देखिए, बहुत लोग करते हैं क्या ऐसे ऐसे करते हैं कुछ भी, मगर सभी को पता है, मैंने मैक्सिमम देखा है, ज़्यादा गलती किसी को नहीं होता है। तो जो गलतियाँ हो जाता है उन लोगों को, वो इस पॉइंट के ऊपर मैं बोलूँगा फ्रेंड। तो देखिए किस तरीके से, इधर मैंने फोर उंगलियाँ डाल दिया है, और इधर एक डाला है, और उसके बाद इसी तरह कट करना है। और ये देखिए, जब कट करते हैं तो इसी तरह हम लेफ्ट में पकड़ते हैं, किसी ऐसी जगह में करते हैं जिसका जो कपड़ा एंड तक होता है, तो उस वक्त हम इस तरह मेजरमेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, पकड़ना है। और अब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे 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 नहीं करते, तो हम वो जो यूज़ करते हैं वो जगह में हम लोग इसी तरह कट करते हैं। ये था एक जगह। और दूसरी जो बात होता है फ्रेंड, जो हम कांची में जब इसी तरह कटते हैं, तो उस वक्त बहुत लोग को बोलते हैं, तो इस तरीका से ये देखिए, ये नहीं करता है ऐसे, हम लोगों को तो पता है, तो गलतियाँ हो ही नहीं रहा है इसमें। तो देखिए ऐसे ऐसे हो जाता है, तो इसका मतलब है वो लोग क्या करते हैं, ये जो एक इधर खींचना पड़ता है और इधर, यानी कि ये दो जो हैंडल है इस कैंची का, तो एक इधर, यानी कि दोनों इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, और ऐसे ऐसे जब प्रेशर क्रिएट होगा तो ये वाला जो हिस्सा होगा एकदम स्टिफ हो जाएगा इस जगह में, जब भी हम इसके अंदर कुछ दे दें वो कट हो जाएगा। तो इसी तरह ये होता है, हम लोग जब ये हैंडल दोनों पकड़ते हैं तो उस वक्त एक को ऐसे करते, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है बाहर की तरफ देते हैं और ये अंदर की तरफ देते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। ये देखिए ऑटोमेटिकली, ये है जो कैंची से कटने का असली लॉजिक है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। और उसके बाद आता है फ्रेंड कटिंग करने का तरीका। देखिए कटिंग जब आप करेंगे तो इसी तरह ही आपको पकड़ना है, किसी लेफ्ट में आप इसी तरह पकड़िए, राइट में इसी तरह करिए। और ये देखिए, मानिए हम यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम इस जगह का यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम, ऐसे 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 करके नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जल्दी हमें उस जगह में जाना है ऐसे। और जब हम कैंची को उठा है फ्रेंड, तो ये देखिए नीचे से इसी तरह हम दे रहा है इसे उठा के, और उसके बाद फिर से कट कर रहे हैं वही जगह में कट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, दिख रहा है, फिर से दिखा रहा हूँ। अब बड़ा वाला को हिस्सा अगर कट करना है तो जल्दी से हमें वो जगह तक जाना है, तो इसलिए हम इसी तरह यूज़ कर रहे हैं। अब कैंची को फिर ऐसे नहीं बिठाएंगे, ठीक है, अब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमें उधर जाना है यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से ऐसे 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 करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। और हमेशा हम लोगों को क्या करना है, जो मानिए हमें इधर घूमना है, इधर राइट की तरफ घूमना है, तो ये देखिए ऐसे और ऐसे, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे मत, ये नहीं होता है, कागज़ में तो होगा मगर कपड़ा में हमेशा आप लोगों को राइट की तरफ मोड़ना है, इसी तरह राइट की तरफ मोड़ना होता है, ठीक है, ऐसे करके। और आप लोग ऐसे भी नहीं करेंगे, और नीचे से उठा के आप लोग इसी तरह करेंगे। और उसके बाद आता है फ्रेंड
जो लाइन होता है ना, तो इसी तरह लाइन में काटने के लिए देखिए हमें इधर से इधर जाना है, तो उसके लिए ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए किस तरीके से इसे ऐसे करके ऐसे दे रहा हूँ इसे, ऐसे ऐसे, और उसके बाद यहाँ से आया है ऐसे, ठीक है फ्रेंड, इसी तरह कट करना है ऐसे। तो हम देखिए ऐसे 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 नहीं करेंगे, अगर छोटा मोटा कोई जगह है, मानिए इस जगह में कुछ इस तरीका से कुछ ड्रॉ हुआ है इस जगह में, देखिए ये देखिए, मानिए इस जगह में हमारा इसी तरह कोन वगैरह है, और नहीं तो इधर इधर ऐसे करके है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं ये देखिए, ये ऐसे इसे इसी तरह बिठा देते हैं, और उसके बाद हम ऊपर से इस तरीका से जाते हैं और इधर इसी तरह बिठा देते हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यही है इसका असली तरीका है। और एक बात आप लोगों को बता दो फ्रेंड, आप लोग जब ये कैंची से आप कट करेंगे तो आपको इसी तरह सीधा रखनी है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये एकदम इसी तरह पकड़ने, ऐसे नहीं पकड़ना है जी, ऐसे 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 कट के जाएंगे ऐसे नहीं, इसे आप इसी तरह पकड़ के करेंगे, ऐसे सीधा रहेगा ये। और ये सिंगल पीस में ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर फ़र्क पड़ेगा फ्रेंड जब आप इसी तरह कोई मोटा वगैरह लेयर आप लोग कट करेंगे, तब अगर ये आप ऐसे करेंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है फ्रेंड, आप जिस तरफ घुमाएंगे तो उस तरफ ऊपर का जो लेयर होता है वो बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रहे, जब हमेशा हम लोग कट करेंगे तो इसी तरह ही हम लोग करेंगे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और ऐसे नहीं कट करेंगे, बहुत लोग कहते हैं इसके लिए, देखिए ऊपर का हिस्सा छोटा हो जाएगा नीचे बड़ा हो जाता है, यानी कि जिस तरफ हम रखेंगे उस तरफ का हिस्सा छोटा है हो जाएगा, अगर ऐसे हम लोग करेंगे तो ऊपर का हिस्सा बड़ा हो जाएगा नीचे छोटा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो मानिए इस पार्ट को हमें चाहिए, तो उस वक्त हमें ऐसे अगर कट करें तो ये छोटा हो जाएगा नीचे का हिस्सा बड़ा हो जाएगा, तो ये मत करिएगा, और ठीक तरीके से कैंची को दबाइए, ठीक है, तो सही तरीका होगा। और एक बात होता है जो फर्स्ट टाइम जो लोग कैंची से कुछ कटने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों के लिए टिप्स मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसी तरह एक कागज़ ले लीजिए और उसमें ड्रॉ करिए इसी तरह ऐसे, आप इसे स्केल से करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद इसी तरह करिए, ये मैं फ्री हैंड दिखा रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इधर से इधर जाना है, और इसके लिए हमें ये देखिए ये ड्रॉ को फॉलो करनी है ऐसे करके, और इसका दो तरफ का लाइन हो जाता है, यानी कि ये थिकनेस हो जाता है, एक लेफ्ट एक राइट, तो मानिए हम लेफ्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उस वक्त हम इसी तरह कट कर रहे हैं ऐसे, इसी तरह आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें इसे इसके ऊपर, और उसके बाद मानिए आप इसे कट कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इस वक्त हमें ये चाहिए, और ये कटने के लिए इधर चाहिए, और ये वाला जो हिस्सा कट करने के लिए इसका एक तरीका होता है, ये देखिए हम घुमाने का कोई जगह अगर हो वो हम ये ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे, तो इसी तरह आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए और प्रैक्टिस करिए, एक दिन में ही ये सब ठीक ठाक हो जाता है। तो ये है हैंड का टेक्निक। और दूसरा एक टेक्निक होता है फ्रेंड, जो हम लोग मशीन यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर से देखा जाए जो लोग ज़्यादा इसी तरह कैंची से कटते हैं, तो उन लोगों के लिए इस तरह इस जगह में एक क्या बोलते हैं उसे, तो इसी तरह एक स्पॉट हो जाता है इस जगह में, तो वो अगर आप लोग करें तो सही है, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड, जो मशीन है आप मशीन से कट कर सकते हो, मशीन का वीडियो हमने दिखा है, तो आप लोगों को एक नमूना दिखा रहा हूँ मैं, और फ्रेंड ये देखिए ये मशीन से आप लोग कट कर सकते हो, उसमें क्या होगा, हम भी बहुत कट करते हैं मगर हमारा कोई इधर स्पॉट नहीं है, और आप लोग देखेंगे जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं तो उन लोगों को एक लाइसेंस की तरह दिखता है इस जगह में, जो है वो कटर है, तो आप लोगों को वो अगर दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसी तरह मशीन का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में अगर जानना है तो आप कटिंग मशीन लिखिए साइड में, प्रशांत कर लिखिए, हमारे चैनल में भी इसका वीडियो दिया हुआ है, और ये रिक्वेस्ट का वीडियो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स इसको समझाया, इस कैंची से किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से कटना है, तो आप इसी तरह करते रहिए, और जिस तरीके से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इसी तरह भेजते रहे, और नीचे कॉमेंट्स में लिखिए आप किस तरीका का वीडियो चाहते हैं, तो हम वो वीडियो
वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि ये वायरल हो जाए। और इस वीडियो में इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।